नमस्कार, दिनगरी न्यूज के खास प्रोग्राम सेहतनामा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ प्रियंका माथुर। हमें हमारी सेहत की चिंता है पर कुछ कर नहीं पाते, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, उठ जाएं तो जिम या गार्डन जा नहीं पाते, लेकिन चिंता लगातार करते रहते हैं। अब उस चिंता को दूर करना बेहद आसान हो सकता है अगर आप योग करना शुरू कर देते हैं। योग करना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। स्वस्थ रहने के लिए योग को दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। करो योग, रहो निरोग, इस कथन से ही साफ होता है कि योग हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। अगर हम कई योगासन को अपने रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो लंबे समय तक स्वस्थ और फिट रह सकते हैं। आज आपको ऐसे ही 5 योगासन के बारे में बताएंगे जो आपको 50 की उम्र के बाद भी स्वस्थ रहने में मदद करता है। सबसे पहले बात करेंगे नौकासन के बारे में। आप रूटीन में नौकासन को भी शामिल कर सकते हैं, इससे आप स्वस्थ और फिट रह सकते हैं। इसे करने से चर्बी कम करने में मदद मिलती है। ये कंधों और हाथों को मजबूत करता है और पाचन के लिए भी अच्छा होता है। दूसरे नंबर पर आता है प्राणायाम। प्राणायाम करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। प्राणायाम करने से सांस संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ये करने से फेफड़ों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। लंबी उम्र तक फिट रहना हो तो प्राणायाम से अच्छा योग कोई नहीं हो सकता। अब बात करेंगे वज्रासन के बारे में। वज्रासन करना पेट के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगर पेट स्वस्थ होता है तो हमारा पूरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वज्रासन में पैरों में ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं ताड़ासन के बारे में। फिट रहने के लिए ताड़ासन करना बहुत ही अच्छा होता है। ये पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करता है जिससे पेट का स्वास्थ्य अच्छा होता है और व्यक्ति लंबे समय तक फिट रह सकता है। आखिर में आता है भुजंगासन। रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने, छाती और फेफड़ों के लिए और तनाव से दूर रहने के लिए भुजंगासन करना लाभकारी होता है। इसे करने से आप फिट रह सकते हैं। अगर आप इन योग को नियमित करते हैं तो 50 की उम्र के बाद भी फिट रह सकते हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ईमेल भी कर सकते हैं। नमस्कार।